इससे पहले हमने बात की आईसी इंजन के बारे में, अब आते हैं इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी की तरफ। तो इसमें सबसे पहला है कंप्रेशन रेशो। कंप्रेशन रेशो को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम एट बॉटम डेड सेंटर डिवाइड बाय वॉल्यूम एट टॉप डेड सेंटर। ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम एट बॉटम डेड सेंटर है। इस डायग्राम में आपको ये नजर आ रहा है, इसको हम डिवाइड करते हैं वॉल्यूम एट बॉटम डेड सेंटर। अब इन दोनों का जो रेशो आता है तो उसको हम कहते हैं कंप्रेशन रेशो। ये रेशो बहुत इम्पोर्टेंट है, जब हम एफिशिएंसी निकालते हैं तो ये हमें एफिशिएंसी के बारे में अच्छा खासा आइडिया देता है। अगर ये हम इंक्रीज करते हैं तो एफिशिएंसी पे क्या असर पड़ता है, तो यह हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट पैरामीटर या टर्मिनोलॉजी है वो मीन इफेक्टिव प्रेशर है। वो हम इस तरह डिफाइन करते हैं, नेटवर्क पर वन साइकिल, यानी एक साइकिल से हमें कितना नेटवर्क मिलता है वो हम जब डिवाइड करते हैं डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, तो हमें मिलता है मीन इफेक्टिव प्रेशर। फॉर एग्जांपल, ये डायग्राम आपको नजर आ रहा है, इसमें बॉटम डेड सेंटर से लेकर टॉप डेड सेंटर तक जो वॉल्यूम है इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमारे पास इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम था। अब जब हम नेटवर्क को इस डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो हमें मीन इफेक्टिव प्रेशर मिलता है। ये मीन इफेक्टिव प्रेशर एक थ्योरेटिकल प्रेशर है, ठीक है, और हम ये कंसीडर करते हैं अगर ये प्रेशर इस पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करे तो इसी का जो वर्क है, ठीक है, इसका जो पावर है बराबर होगा जितना ही पावर हमें मिलता है इस इंजन के अंदर फ्यूल भरने से, ठीक है, इस अंदर इस इंजन के अंदर फ्यूल बर्निंग से हमें जितना भी पावर मिलता है यही पावर हम ये प्रेशर भी देता है। अब आते हैं इंजन के अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला प्रेशर क्या है, हमारे पास सबसे पहला प्रोसेस है वो सक्शन स्ट्रोक या इनटेक स्ट्रोक है। स्ट्रोक के दौरान क्या होता है, सक्शन होता है। जब पीवी डायग्राम की हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, टॉप ड्यू सेंटर से इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है बॉटम ड्यू सेंटर पर। अभी हमें प्रेशर का खास पता नहीं है, बस ये हमने जस्ट एक रेंडम ग्राफ ड्रा किया, क्या हो गया, हमारे पास इतना ही इंफॉर्मेशन है कि टॉप डी सेंटर से वॉल्यूम इंक्रीज हो गया बॉटम डी सेंटर तक। और इसी तरह ये पिस्टन टॉप डी सेंटर से नीचे गया बॉटम डी सेंटर की तरफ। अब हमारे पास जो दूसरा प्रोसेस है वो कंप्रेशन स्ट्रोक है। इस कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान कंप्रेशन होता है, ठीक है, तो ये पिस्टन आगे की तरफ जाता है और टॉप डेड सेंटर पर ये पहुंच जाता है, ठीक है। अब इस पीवी डायग्राम की हम बात करते हैं तो हमें ये पता चल गया कि कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन की वजह से ये प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये प्रेशर बढ़ गया। दूसरा इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक, तो हमारे पास ये हो गया कंप्रेशन स्ट्रोक। अब इसके बाद तीसरा स्ट्रोक है वो एक्सपेंशन स्ट्रोक है या पावर स्ट्रोक है। तो पावर स्ट्रोक में क्या होता है, ये पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जाता है,
ठीक है, तो इसके साथ साथ इसका प्रेशर डिक्रीज होता है और इसी का वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। क्या होता है, टॉप डेड सेंटर से ये इंक्रीज होता है बॉटम डेड सेंटर का। अब फाइनल स्ट्रोक है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, तो इसमें ये पिस्टन क्या होता है बॉटम डेड सेंटर से जाता है टॉप डेड सेंटर की तरफ, साथ साथ एक्सपेंशन वाल भी इक्वल होता है, तो ये नहीं होता। इस एक्सपेंशन वाल की वजह से जो गैस है इसी का कंप्रेशन नहीं होता, बल्कि ये गैसेस बाहर जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से ये प्रेशर इंक्रीज नहीं होता, हालांकि ये पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाता है। तो देख ले, अलबत्ता वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक, और हमारे पास जो प्रेशर है वो इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि ये एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया। तो अब हमारे पास ये एक पीवी डायग्राम बन गया, ये एक रेंडम सा डायग्राम है। अब मजीद जब हम आगे जाएंगे तो ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड ड्यूल साइकिल आता है, वो इस रेंडम डायग्राम को अप्रोक्सीमेट करते हैं मुख्तलिफ प्रोसेस के जरिए और मुख्तलिफ ग्राफ के जरिए, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज अवर गोल, अब हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है इस ग्राफ को डिजाइन करना है, इस रेंडम ग्राफ को। लेकिन आपको यह पता है कि इस आईसी इंजन में कोई पंप और टरबाइन नहीं होता, ये हमें पता है कि ये दोनों वर्किंग डिवाइस है। इसी तरह हमारे पास कोई बॉयलर और कंडेंसर भी नहीं होता, हमें ये भी पता है कि ये दोनों हीटिंग डिवाइस है। लेकिन हम कुछ एजम्पशन करते हैं, हम कहते हैं कि इस आईसी इंजन के अंदर दो प्रोसेस है, एक वर्क इन प्रोसेस है और एक वर्क आउट प्रोसेस है। अगर कि हमारे पास कोई वर्किंग डिवाइस नहीं है, इसी तरह हम एज्यूम करते हैं कि दो हीटिंग प्रोसेस, वो क्या है, हीट इन भी है और हीट आउट भी है। हमें पता है कि यह कोई इस तरह डिवाइस नहीं है, ना बॉयलर है और ना कंडेंसर है, इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आते हैं कुछ और पॉइंट्स की तरफ। एयर स्टैंडर्ड एनालिसिस, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम कहते हैं कि एक आईसी इंजन के अंदर एक फिक्स अमाउंट ऑफ एयर आ रही है और इस एयर को हम आइडियल गैस कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इसके अंदर फ्यूल नहीं है, इसके अंदर एयर नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक आइडियल गैस है, ये हमारा पहला एजम्पशन है। दूसरा एजम्पशन ये है कि हम कहते हैं कि इसके अंदर कंबस्शन नहीं हो रहा बल्कि एक एक्सटर्नल हीट सोर्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हीट एक्सचेंजर लगा है और इसके जरिए आईसी इंजन में हीट आता है, ये हमारा दूसरा एजम्पशन है। हम कहते हैं कि चलो इसके अंदर कोई कंबस्शन नहीं है। तीसरा पॉइंट ये है कि हम कहते हैं कि आईसी इंजन के अंदर एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी नहीं है और इनटेक स्ट्रोक भी नहीं है, हम इसको निकालते हैं, ठीक है। ये हम मॉडलिंग करते हैं, तो इसी वजह से हम कुछ एजम्पशन करते हैं। और लास्ट पॉइंट ये है कि हम कहते हैं कि इस आईसी इंजन के अंदर इसके पिस्टन सिलेंडर के अंदर इसी तरह क्रैंकशाफ्ट वगैरह के अंदर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, सारा का सारा प्रोसेस इंटरनली रिवर्सिबल है, ठीक है, कोई हीट लॉस नहीं हो रहा, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होगा, टोटली इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये चार अहम पॉइंट्स है। अब इसके बाद अगर आप कुछ पॉइंट पे गौर करें तो ये एक खाका बनता है। हम कहते हैं कि इनटेक स्ट्रोक नहीं है, ठीक है, इनटेक स्ट्रोक नहीं है। तो जब इनटेक स्ट्रोक होता है तो क्या होता है, ये बॉटम डेड सेंटर तक चला जाता है, इसके बाद कंप्रेशन होता है।
तो कंप्रेशन को हम कहते हैं कि चलो ये हमारे पास बराबर है, ये जब हम इमेजिनेशन करते हैं ताकि आपको इक्वेशन वगैरह निकालने में आसानी हो। कंप्रेशन होता है तो कंप्रेशन को हम बम के बराबर कंसीडर करते हैं, और जब कंप्रेशन के बाद फौरन क्या होता है, कंबक्शन होता है। जब वो ये कंप्रेस होता है तो हार्ड होके वो क्या होता है, कंबक्शन होता है। तो इस कंबक्शन को हम कंसीडर करते हैं कि ये बॉयलर के बराबर है। ठीक है, जब कंप्रेशन होता है हम कहते हैं कि ये एक पंप है, इसको कंप्रेस करता है, और कंबक्शन हम कंसीडर करते हैं कि ये एक बॉयलर लगा है। अब कंप्रेशन और कंबक्शन के बाद फिर होता है क्या, पावर स्ट्रोक। तो पावर स्ट्रोक हम कंसीडर करते हैं कि चलो यहाँ एक टरबाइन लगा है। इसके बाद क्या होता है, ये हॉट गैसेस बाहर जाती है एग्जॉस्ट होके। तो हम कहते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या है, एक कंडेंसर लगा हुआ होता है और उसे हीट को एब्जॉर्ब कर देता है। तो अगर आप इस सीक्वेंस से इसको याद रखें कि इंटेक नहीं है, कंप्रेशन को पंप के बराबर लेते हैं, कंबक्शन को बॉयलर के बराबर हम लेते हैं, पावर स्ट्रोक को टर्बाइन जैसा कंसीडर करते हैं और एग्जॉस्ट स्ट्रोक को कंडेंसर की तरह कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो फिर आपको इक्वेशन निकालने में आसानी हो जाएगी। आपने अब इस नक्शे को याद रखना है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट सीक्वेंस है। इसके बाद हम दोबारा आते हैं। अब हमने कहा कि इसी ग्राफ को हमने क्या करना है, ये एक मुश्किल ग्राफ है। ठीक है, यहाँ से वर्क इन वर्क आउट, हीट इन हीट आउट निकालना इंतहाई मुश्किल है। तो क्या करते हैं, इसी ग्राफ को हम मॉडल करते हैं। और ये मॉडलिंग किसने की, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, इंडिविजुअल साइकिल ने की। तो अब इन साइकिल को हम डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला है एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल। तो जब बात आ गई एयर स्टैंडर्ड की, ठीक है, तो आप लोगों ने इन चार पॉइंट को कंसीडर करना है। ये एयर स्टैंडर्ड एनालिसिस ये है। तो एयर स्टैंडर्ड की बात जब आ गई तो आपने इन चार पॉइंट को कंसीडर करना है। तो कौन सा है, ये एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल है। तो एयर स्टैंडर्ड का मतलब वही चार पॉइंट है। अब ऑटो साइकिल की तरफ आते हैं। ऑटो साइकिल की तरफ जब आप आएंगे तो आपने इस सीक्वेंस को याद रखना है। इंटेक को नहीं लेना है, कंप्रेशन को पहला हमने पंप कंसीडर करना है, इसके बाद कंबक्शन है तो इसको बॉयलर कंसीडर करना है, पावर स्ट्रोक को हमने टर्बाइन कंसीडर करना है, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक को एक कंडेंसर कंसीडर करना है। ये हालांकि इस तरह नहीं होता, लेकिन जब आप इस सीक्वेंस को याद रखेंगे तो आपको ये ऑटो एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल इसके ग्राफ में और इसके इक्वेशन निकालने में भी मुश्किल नहीं होगा। पहला प्रोसेस क्या है, 1-2, ये कंप्रेशन प्रोसेस है। और कंप्रेशन प्रोसेस क्या होगा, ये हमेशा वर्किंग प्रोसेस है, कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है, और ये एक्सपेंशन प्रोसेस, ये हमारे पास एसिम्प्टोटिक होगा। जो वर्किंग जो हीटिंग प्रोसेस है, इन हीट एडिशन प्रोसेस और हीट रिजेक्शन प्रोसेस, तो ये दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम पे होते हैं। तो अब आते हैं, सबसे पहला आपने याद रखना है कि इस सीक्वेंस पे चलना है। पंप पहला, कंप्रेशन को पंप कंसीडर करना है, पंप के बाद बॉयलर आता है, बॉयलर के बाद टर्बाइन, टर्बाइन के बाद कंडेंसर। तो सबसे पहले क्या है, वो हमने उसी सीक्वेंस पे आना है। क्या होगा, 1-2 प्रोसेस, ये कंप्रेशन है, यानी हमने एक पंप की तरह कंसीडर करना है, और ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। जब कंप्रेशन होता है तो पिस्टन बॉटम डी सेंटर से टॉप डी सेंटर की तरफ जाता है। इसके बाद प्रोसेस 2 और 3 है। तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये हमने पहले भी कहा कि इस सीक्वेंस से चलना है। तो सीक्वेंस क्या है, पंप के बाद फिर बॉयलर होता है। तो ये अच्छा हीट एडिशन प्रोसेस हो गया। तो ये हीट एडिशन प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। और क्या होता है, पिस्टन हमारे पास उसी 60 डिग्री सेंटर पे रह जाता है। ठीक है,
क्योंकि हम कंसीडर करते हैं कि ये हीट एडिशन प्रोसेस कंबशन होता है और कंबशन इतना ही जल्दी होता है कि इसके दौरान ये वॉल्यूम ट्रांजिशन होता है। अच्छा, जब यहाँ हमारे पास कंप्रेशन होता है, ठीक है, तो कंप्रेशन के बाद फौरन क्या होता है, कंबशन होता है। और कंबशन क्या होता है, ये इतना ही जल्दी होता है कि हम कंसीडर करते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। और कंबशन के फौरन बाद फिर क्या होता है, ये पावर स्ट्रोक स्टार्ट होता है। तो यही वजह है कि 2 और 3 प्रोसेस को हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे कंसीडर किया, क्योंकि ये कंबशन प्रोसेस है, बहुत ही जल्दी होता है और वॉल्यूम में इतना ही चेंजेस नहीं आती, तो इसी वजह से इसको हमने कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कंसीडर किया। इसके बाद तीसरा प्रोसेस, यानी अब ये बॉयलर हो गया हमारा और ये हमारा पास टरबाइन है, तो इसमें क्या होगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो 3 और 4 प्रोसेस हमारे पास आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। टरबाइन के बाद हमारे पास कंडेंसर स्टार्ट होता है, तो हम कहते हैं कि 4 to 1 प्रोसेस, ये हमारे पास इसके साइकिल कंप्लीट होता है और 4 to 1 प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, हीट रिजेक्शन होता है और वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। अच्छा, अब ये सारा का सारा प्रोसेस एक क्लोज सिलेंडर के अंदर होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कोई कम्पैक्ट डिवाइस नहीं होता, जिस तरह हमारे पास पावर प्लांट में क्या थे, वेपर पावर प्लांट में एक हमारे पास बॉयलर कम था, फिर इसके बाद बॉयलर था, टर्बाइन था और कंडेंसर। तो ये हमारे पास वेपर पावर प्लांट में था और यहाँ हमने इस सारे प्रोसेस को ओपन प्रोसेस लिया था, ठीक है। तो हमने एंथैल्पी कंसीडर किया, इन सब केस में हम एंथैल्पी फाइंड करते थे। अब आईसी इंजन के केस में हमारे पास सारे के सारे प्रोसेस इसी क्लोज सिलेंडर के अंदर होते हैं, तो ये हम क्लोज प्रोसेस कंसीडर करते हैं और इस केस में हम इंटरनल एनर्जी को फाइंड करेंगे। आप लोगों ने जिस तरह इसी साइकिल के केस में किया था कि पंप के केस में फाइनल स्टेट की एनर्जी जा रही है इनिशियल स्टेट से, तो हम एक 4-6 कंसीडर किया था। इसी तरह बॉयलर के केस में इसी स्टेज 1 की एनर्जी जा रही है स्टेज 4 से, तो हमने इसी का हीट n बराबर किया था S1-S4। इसी तरह टरबाइन के केस में स्टेट 1 की एनर्जी ज्यादा है स्टेट 2 से, तो हमने कंसीडर किया था टरबाइन वर्क H1-H2। इसी तरह कंडेंसर के केस में स्टेट 2 की एनर्जी ज्यादा है स्टेट 3 से, तो हमने क्यू आउट कंसीडर किया था H2-H3। तो बिल्कुल यही प्रोसेस हम करेंगे आईसी इंजन में भी। अब आते हैं सबसे पहला प्रोसेस क्या है, ये पंप वाला भी आप इस सेक्शन से आना है कि पहले आपने पंप कंसीडर करना है। तो ये वर्क एन है 1 to 2, ये वर्क एन है और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो पंप के केस में फाइनल स्टेज की एनर्जी ज्यादा थी, तो यही सिचुएशन यहाँ भी है, यहाँ स्टेट 2 की इंटरनल एनर्जी ज्यादा है स्टेट 1 से। यहाँ इंटरनल एनर्जी की बात आएगी क्योंकि ये एक क्लोज सिस्टम है, यहाँ हम एंथैल्पी कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आता है हीट एडिशन, तो एच हमने उस केस में कंसीडर किया था, या हम दोबारा इंटरनल एनर्जी को कंसीडर करेंगे। तो 3 स्टेट की एनर्जी ज्यादा है स्टेट 3 से, तो हम कंसीडर करेंगे कि हीट एडिशन बराबर है U3-U2। इसी तरह इसके बाद फिर पावर स्ट्रोक है, यानी आप टरबाइन जैसा कंसीडर करें। तो टरबाइन में इनिशियल स्टेट की एनर्जी जा रहा है फाइनल स्टेट से, तो यहाँ भी यही सूरत हाल है, U3 की इंटरनल एनर्जी जा रहा है U4 से, तो ये हमारे पास आ गया वर्क ऑफ पावर स्ट्रोक, ठीक है। अब हमारे पास आखिरी प्रोसेस है, वो हीट रिजेक्शन है। तो स्टेट 4 की एनर्जी जा रहा है स्टेट 1 से, तो हम कंसीडर करेंगे U4-U1। अब इसको डायग्राम में भी आप
ले सकते इस डायग्राम को। तो फिर इस डायग्राम में क्या होगा, यह हमारे पास दो मुख्तलिफ साइकिल है, 1, 2, 3 और 4 है, और एक 1, 2, 3 और 4 है। तो अब हम आते हैं 1, 2, 3 और 4 की तरफ। तो पहला प्रासिक कांस्टेंट एंट्रोपी वाला है, तो 1 और 2 सीधा लाइन आएगा, ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगा इसी एंट्रोपी के एक्सिस को। इसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम प्रासिक स्टार्ट होता है और ये हीट एडिशन प्रासिक है। इसके बाद पावर स्ट्रोक स्टार्ट होता है 3 to 4, ठीक है, और इसके बाद ये होता है कांस्टेंट एंट्रोपी पे, और इसके बाद होता है हीट एडिशन प्रासिक। अब 1 to 2 वर्क इन वाला प्रासेस है, 3 और 4 ये वर्क आउट वाला प्रासेस है। तो इसकी लाइन की जो लेंथ है 3 और 4 वाली वर्क आउट वाली, ये ज्यादा है जो लेंथ है 1 और 2 वाली, ये वर्क इन की है, ठीक है। तो जाहिर बात है ये क्या होगा, वर्क आउट हमारे पास ज्यादा होगा वर्क इन से। अब आते हैं एफिशिएंसी की तरफ। तो जब हम एफिशिएंसी फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, नेटवर्क बराबर है यानी वर्क आउट माइनस वर्क इन, तो ये वर्क आउट है, ठीक है, और ये हमारे पास वर्क इन है, डिवाइड बाय क्यू एन, तो क्यू एन इसके बराबर है। अब ये अगर आप वर्क इन माइनस वर्क आउट माइनस वर्क इन भी करें, ठीक है, या आप इसी नेट साइकिल वर्क इसके भी बराबर है कि क्यू इन माइनस क्यू आउट, क्यू एन माइनस क्यू आउट, ठीक है, तो ये हमारे पास क्यू एन है, यू थ्री माइनस क्यू टू, और ये हमारे पास क्यू आउट है, तो हमारे पास इसी के बराबर होगा। अब यहाँ आपने एक और बात भी नोट करना है कि वॉल्यूम आप 3 और 2 ये दोनों बराबर है, ठीक है, ये टॉप ड्यू सेंटर पे है। इसी तरह वॉल्यूम आप 4 और 1 ये भी बराबर है, ये बॉटम ड्यू सेंटर पे है, क्योंकि बी पे हमारे पास बॉटम ड्यू सेंटर है और ए पे हमारे पास टॉप ड्यू सेंटर है। अब हम आते हैं कंप्रेशन रेशियो की तरफ। तो कंप्रेशन रेशियो क्या है, वॉल्यूम एट टॉप ड्यू सेंटर, तो क्या है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ बॉटम डी सेंटर, तो 4 और 1 दोनों पे बॉटम डी सेंटर है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं वॉल्यूम एट टॉप डी सेंटर, तो 3 और 2 दोनों पे क्या है, हमारे पास टॉप डी सेंटर। अब हमारे पास ये एफिशिएंसी का फार्मूला है, इस एफिशिएंसी का फार्मूला हम कोल्ड एयर स्टैंडर्ड एनालिसिस से भी निकाल सकते है। तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास बराबर है CVNT, MCV डेल्टा टी असल में होता है, क्योंकि ये पर यूनिट मास है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं CVNT, तो या हम लिखेंगे CV T4, या हम लिखेंगे CV T1, तो दोनों में CV कांस्टेंट है, तो CV हम बाहर निकालते हैं। इसी तरह यहाँ भी है, इसको हम CV T3 लिख सकते हैं, इसको हम CV T2 लिख सकते हैं, तो CV इससे कॉमन निकालेंगे और इसको कैंसिल करेंगे। अब T1 पे दोनों साइड को डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया T1 डिवाइड बाय T1, तो ये 1 रह जाएगा, ये T1 डिवाइड बाय T4 डिवाइड बाय T1, और इससे हमने T1 को कॉमन निकाला, नीचे से हम T2 कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो इन साइड को हम क्या करेंगे, T2 पे डिवाइड करेंगे और यहाँ T2 आएगा। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो ये T1 इस साइड से मल्टीप्लाई करें तो क्या रह जाएगा, T4 रह जाएगा ये वाला, और ये वाला T1 रह जाएगा, यानी ये इक्वेशन दोबारा बनता है, ठीक है। इसी तरह ये अगर हम मल्टीप्लाई करें T3 डिवाइड बाय T2 को T2 से, तो ये T3 रह जाएगा जिस तरह यहाँ है, और ये 1 क्या हो जाएगा, माइनस T2 रह जाएगा। तो ये हमने जस्ट किया क्या, हमने इसको कॉमन निकाला है। अब ये हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है, कि जब एसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है तो हम इसी इक्वेशन को T2 डिवाइड बाय T1 को लिख सकते हैं V1 डिवाइड बाय V1 इनके माइनस 1। तो T2 सामने है, इसके नीचे हम लिखेंगे क्या,
इसी का जो वॉल्यूम है। इस तरह टी वन के बिल्कुल अपोजिट साइड से ऊपर हम लिखेंगे बी वन और इसको के माइनस वन पावर लगाएंगे। अब ये के क्या है, के स्पेसिफिक हीट रेशियो है और ये बराबर है सी पी डिवाइड बाई सी वी। ठीक है, तो सी जी और सी वी दोनों कांस्टेंट है। तो अब बी वन एंड बी टू, बी वन है वॉल्यूम एट बॉटम डी सेंटर एंड वी टू है वॉल्यूम एट टॉप डी सेंटर। तो असल में ये दोनों वी वन डिवाइड बाई वी टू ये हमने पहले भी किया था अगर आपको याद है। तो अब हमारे पास इफिशियंसी के दो फार्मूले आ गए। एक ये है कि कोल्ड एयर स्टैंडर्ड एनालिसिस है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताते हैं कि हम क्या करेंगे, इस कंप्रेशन रेशो को हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ये हमने वन से स्टार्ट किया और इंक्रीज करते हैं तो एफिशिएंसी देख ले ये भी साथ साथ इंक्रीज हो जाती है। अमूमन हमारे पास स्पार्क इग्निशन इंजन के लिए ये 9.5 से लेकर 11.5 तक ये होती है। ठीक है, ये कंप्रेशन देखो और कंप्रेशन इग्निशन इंजन में हमारे पास ये 12 से लेकर 20 तक होती है। अब आते हैं डीजल साइकिल की तरफ। तो डीजल साइकिल वही साइकिल है जो ऑटो साइकिल है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस ये डिफरेंट है, वो है हीट एडिशन प्रोसेस। और हीट एडिशन प्रोसेस को उन्होंने कंसीडर किया है कि ये कांस्टेंट प्रेशर से होता है, बाकी प्रोसेस और साइकिल वही है। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस है ये क्या होता है, ये कंप्रेशन होता है। आपने मैंने बताया कि अपने आसानी के लिए पंप से स्टार्ट लेना है, फिर बॉयलर आता है, इसके बाद टर्बाइन और इसके बाद कंडेंसर, इसी तरह आपने ये प्रोसेस कंसीडर करना है। तो पहला प्रोसेस क्या है, वो एसेंट्रोपिक प्रोसेस है और वो कंप्रेशन है। ठीक है, यानी पंप से आप स्टार्ट ले लें। इसके बाद हीट एडिशन प्रोसेस इस डीजल साइकिल में मुख्तलिफ है, वो क्या है कि ये कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। ठीक है, इसके बाद एक्सपेंशन है और वो दोबारा एसेंट्रोपिक है और हीट रिजेक्शन प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। ये वही साइकिल है जो ऑटो साइकिल है, लेकिन इसमें सिर्फ ये टू एंड थ्री प्रोसेस ये मुख्तलिफ है। अब यह हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट रेशो है, वो ये है कि इसी टू एंड थ्री प्रोसेस पे हीट एडिशन प्रोसेस में हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट रहता है जबकि वॉल्यूम चेंज होता है। तो हम कहते हैं कि कट ऑफ रेशो ये क्या है, ये हीट एडिशन में हमारे पास जो वॉल्यूम फाइनल स्टेट पे है हम उसको डिवाइड करते हैं वॉल्यूम एट इनिशियल स्टेट। ठीक है, तो फाइनल स्टेट हमारे पास हीट एडिशन में क्या है, स्टेट नंबर थ्री है, तो वी थ्री, और हीट एडिशन में इनिशियल स्टेट स्टेट नंबर टू है, तो इसका वॉल्यूम वी टू है, तो वी थ्री डिवाइड बाई वी टू। तो ये हमारे पास आ गई कट ऑफ रेशो। कंप्रेशन रेशो की तरह ये भी एक इम्पोर्टेंट रेशो है और ये हमें डीजल साइकिल में इफिशियंसी के बारे में बताता है। अब आते हैं इफिशन की तरफ। तो पहला प्रोसेस क्या है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम सॉरी ये पहला प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट एंट्रोपी पे है। ठीक है, और इसी स्टेट नंबर टू की एनर्जी ज्यादा है स्टेट नंबर वन से, तो हम कंसीडर करते हैं यू टू माइनस यू वन। अब इसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है कांस्टेंट प्रेशर वाला, तो और ये हीट एडिशन प्रोसेस, तो हम इसको ले रहे हैं कि एक्स थ्री माइनस एक्स टू। अच्छा, अब हमने बाकी को इंटरनल एनर्जी को यू लिया है, बाकी के केस में हमने इंटरनल एनर्जी लिया है, इसी के केस में हमने एंथैल्पी क्यू लिया। वजह ये है कि यह हमारे पास क्या है, ये प्रेशर कांस्टेंट है। तो मैंने पहले भी बताया था जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो इस केस में हम एंथैल्पी लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमने इसको एक ओपन सिस्टम कंसीडर किया और इसी को हमने एंथैल्पी कंसीडर किया। अब इसके बाद क्या स्टार्ट होता है, पावर स्ट्रोक।
तो इस केस में 3 की एनर्जी ज्यादा है 4 से, तो हमने लिया U3 - U4। अब लास्ट प्रोसेस हमारे पास हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, तो इस केस में हमारे पास स्टेट नंबर 4 की एनर्जी ज्यादा है स्टेट नंबर 1 से, तो हमने कंसीडर किया U4 - U1। तो अब अगर इक्वेशन की तरफ आप देख ले, सारे इक्वेशन वही है लेकिन इसमें सिर्फ ये 2 और 3 प्रोसेस वाला इक्वेशन मुख्तलिफ है। अब जब हम निकालेंगे एफिशिएंसी, तो साइकिल वर्क डिवाइड बाय इनपुट, तो साइकिल वर्क किसके बराबर है, वो बराबर है Qn - Qout डिवाइड बाय Qn। तो Qn - Qout में Qn ऊपर कैंसिल होता है तो ये 1 रहता है और ये Qout डिवाइड बाय Qn रह जाता है, तो हम इसको लेते हैं 1 - U4 - U1, ये आउट की वैल्यू है और ये नीचे वाला Qn की है, ठीक है। तो ये हो गया रियल केस में हम एफिशिएंसी को किस तरह निकालते हैं। अब ये हमारे पास हो गया एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल, हमें पता है V1/2 यानी वॉल्यूम एट बॉटम डीड सेंटर डिवाइड बाय वॉल्यूम एट टॉप डीड सेंटर, ये बराबर है कंप्रेशन रेशियो के, ठीक है। इसी तरह हमारे पास हीट एडिशन में V3/V2 बराबर है कटऑफ रेशियो के, तो अगर हम V4/V3 लिख दे, ठीक है, तो यह हमारे पास V4 है और ये V3 है और ऊपर नीचे हम V2 लिख दे। इसी इक्वेशन में हमने क्या किया, ऊपर भी V2 लिख दिया, नीचे भी V2 लिख दिया, ये कैंसिल होता है तो दोबारा यही V4/V3 रह जाता है। अब V3/V4 ये इसके बराबर है, तो इसी इक्वेशन को इसी राइट साइड को हमने रीअरेंज किया, ठीक है। वो हमने किस तरह रीअरेंज किया, या हमारे पास V4 था या हमारे पास V1 है, तो V4 किधर गया। अच्छा, हमें मालूम है कि V4 और V1 बराबर है यहाँ पे, ठीक है, तो हमने इस V4 की जगह V1 लिख दिया, V1/V2, ये ऊपर वाला V2/V3 अपनी जगह पे रह गया, तो अब हमारे पास V1/V2 यानी ये कंप्रेशन रेशियो के बराबर है और V2/V3 ये बराबर है कटऑफ रेशियो के, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं V1/V2 ये R के बराबर है, कंप्रेशन रेशियो के बराबर है, V2/V3 ये कटऑफ रेशियो के बराबर है R की, ठीक है। हमें ये भी पता है कि T2/T1 ये जब प्रोसेस T1 और T2 प्रोसेस कौन सा है, ये एसिम्प्टोटिक प्रोसेस है, तो इसको हम इसी तरह भी लिख सकते हैं। इसी तरह T4 और T3 ये दोबारा एसिम्प्टोटिक प्रोसेस है, तो इसको हम भी इसी तरह लिख सकते हैं। V1 और V2 को हम डायरेक्ट लिखते हैं कि ये R के बराबर है, तो K-1 रह जाता है। V3/V4 ये इसी का उल्टा है, तो हम इसको लिख सकते हैं R3/R, ठीक है। अब हमारे पास ये लास्ट ग्राफ है, अब हमारे पास ये आखिरी साइकिल है ड्यूअल साइकिल, तो सारा का सारा प्रोसेस वही है जो ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल का है, लेकिन इसमें जो हीट एडिशन प्रोसेस है वो मुख्तलिफ है, 1-2 प्रोसेस वही है जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, लेकिन यहाँ जो हीट एडिशन का प्रोसेस है वो 2 में डिवाइड किया है। सबसे पहले वो कहते हैं कि 2 और 3 प्रोसेस
कांस्टेंट वॉल्यूम वाला होता है और इसके बाद 3 और 4 फ्रैक्शन कांस्टेंट प्रेशर वाला होता है। इसमें एक पोर्शन 2 और 3 ये ऑटो साइकिल के लिए, 3 और 4 ये डीजल साइकिल के लिए। तो वो कहता है कि जो हीट एडिशन पार्ट है वो असल में 2 स्टेजेस में होता है। पहले स्टेज में कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है 2 और 3 और इसके बाद 3 और 4 में कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है। इसके बाद ये दोनों आपने क्या किया, एक ही कंसीडर करें, ठीक है। हीट एडिशन का ये एक ही प्रोसेस है लेकिन 2 स्टेजेस में होता है। अब 4 और 5 प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, वो वर्कआउट प्रोसेस है और वो एक्सपेंशन कांस्टेंट एंट्रोपी पे एक्सपेंशन होता है। इसके बाद 5 और 1 क्या है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। तो सारा प्रोसेस वही है जो ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल में गया, लेकिन इसमें जो हीट एडिशन प्रोसेस है ये 2 स्टेज में होते है। पहले स्टेज में 2 और 3 कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होता है और बाद में फिर 3 और 4 प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। अब आते हैं इक्वेशन की तरफ। तो 1 और 2 प्रोसेस में हम कंसीडर करते हैं कि क्या है, ये इंटरनल एनर्जी स्टेट नंबर 1 की ज्यादा है स्टेट नंबर 2 से, ठीक है। फिर हीट एडिशन प्रोसेस होता है 2 और 3, तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। तो हम कहते हैं कि क्या है, ये हमारे पास बराबर होता है U3 - U2। 3 और 4 प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, तो कांस्टेंट प्रेशर के केस में हम एंथैल्पी लेते हैं, तो ये U4 H4 - H3 के बराबर है। फिर हीट फिर वर्क आउट प्रोसेस है, तो क्या है U4 - U5। और फिर हमारे पास हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, तो U5 - U1। तो हीट रिजेक्शन बराबर है U5 - U1 से। अब आते हैं एफिशिएंसी की तरफ। तो एफिशिएंसी हमारे पास बराबर है Qn - Qout / Qn। तो Qn कैंसिल होते हैं तो फिर ये 1 रह जाता है और यहाँ Qn / Qout रहता है। तो Qn बराबर है हमारे पास, तो Qout बराबर है हमारे पास ये है U5 - U1। और हीट एडिशन हमारे पास इन दोनों स्टेजेस में होता है, तो U3 - U2 + H4 - H3 के बराबर है। अब आप ये कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। हमारे पास साइकिल कौन से, ऑटो है, डीजल है एंड डुअल साइकिल है। इसमें 4 प्रोसेस है, कंप्रेशन, हीट एडिशन, एक्सपेंशन एंड हीट रिजेक्शन। तो जो कंप्रेशन प्रोसेस है और एक्सपेंशन प्रोसेस है, इनमें सारा का सारा कौन सा होता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगी, ठीक है। इसी तरह हीट रिजेक्शन सारों में कांस्टेंट वॉल्यूम से होता है, लेकिन जो हीट एडिशन का प्रोसेस है ये तीनों में मुख्तलिफ है। ऑटो में कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, डीजल में कांस्टेंट प्रेशर पे है और ड्यूअल में इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे है और फिर कांस्टेंट प्रेशर पे है। तो अब हमारे पास ये सारे साइकिल का एक समरी था, ठीक है। एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर द लेक्चर।